हेलो फ्रेंड्स, आज स्पेशल वीडियो है और स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे 21वें राष्ट्रमंडल खेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके लिए अलग एक वीडियो बना रहे हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसमें आपको पता होगा जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे, उनको मिला के एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इस बार हुए हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको पता होगा अभी चौगम की मीटिंग हुई है। चौगम का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, चौगम मीटिंग्स, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो ये चौगम भी राष्ट्रमंडल का ही एक बॉडी है, और ऐसी राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। तो शुरू से हमने शुरू किया, 19वें कॉमनवेल्थ गेम जो है नई दिल्ली में हुए थे, 20वें ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, 21वें अभी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, और 22वें जो है बर्मिंघम में होंगे। ये याद करने का तरीका है, 22वें होंगे 2022 में। तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होंगे। करारा स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के करारा स्टेडियम में प्रिंस चार्ल्स, जो कॉमनवेल्थ के अब हेड भी हो गए हैं, पहले क्वीन विक्टोरिया थी, लेकिन वर्तमान में प्रिंस चार्ल्स जो है कॉमनवेल्थ के हेड हो गए, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष हो गए। करारा स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के करारा स्टेडियम में प्रिंस चार्ल्स ने इन खेलों की आधिकारिक शुरुआत की। पहली बार जो भारतीय खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी, लगभग 200 भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इन खेलों में। पहली बार इतिहास में पहली बार भारतीय महिला खिलाड़ी साड़ी के स्थान पर कोट पैंट पहनकर जो है उद्घाटन समारोह में आई, उन्होंने परेड की। पीवी सिंधु जो है ध्वजवाहक थी उद्घाटन समारोह की भारत में की, और जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारत की ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी, जबकि समापन समारोह में एमसी मैरीकॉम थी, मुक्केबाज है एमसी मैरीकॉम, और ये शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है। पहला पदक जो है भारत के लिए गुरुराज ने जीता, और वेटलिफ्टिंग में ये पदक था, और ये पदक था सिल्वर, रजत पदक जो है गुरुराज ने वेटलिफ्टिंग में पहला पदक ये भारत के लिए जीता 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में। मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड जीता, ये भी वेटलिफ्टिंग में है, महिला खिलाड़ी है, मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड जीता भारत के लिए। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है, मुक्केबाज है टाइला रॉबर्टसन, इन्होंने ओवरऑल पहला गोल्ड मेडल 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में जीता है। सबसे युवा जो खिलाड़ी है ये भी महिला है, 11 वर्ष की अन्ना हर्सी जो है वेल्स की है, ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है इन राष्ट्रमंडल खेलों में। देश का नाम है इनका वेल्स, और नाम है इनका अन्ना हर्सी। सबसे उम्रदराज है 67 ईयर्स के हैं, आयरलैंड के डेविड कालवर्ट। तो पहली महिला मुक्केबाज जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है वो है एमसी मैरीकॉम। हालांकि इससे पहले भी ये कई मेडल और गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में पहली महिला है जिन्होंने, अभी तक पहली महिला है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है। अगला नाम है पहली महिला टेबल टेनिस प्लेयर जिन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है भारत के लिए, पहली महिला है ये भी राष्ट्रमंडल खेलों की, मानिका बत्रा इनका नाम है। 15 साल के अनीस, ये भी भारतीय हैं, 15 साल के अनीस सबसे कम उम्र के जो है गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए, इन्होंने पिस्टल शूटिंग में जो है गोल्ड जीता। नो नीडल पॉलिसी, ये बड़ा विवादित मुद्दा रहा, नो नीडल पॉलिसी के तहत इरफान और राकेश बाबू, ये दो भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें नो नीडल पॉलिसी के तहत खेल गांव से, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट से बाहर कर दिया गया। नॉन नीडल पॉलिसी, नॉन नीडल पॉलिसी मतलब जो खेल गांव है जहां खिलाड़ी रह रहे हैं वहां सीरिंज का प्रयोग आप नहीं कर सकते, लेकिन भारत के फिजियो ने सीरिंज का प्रयोग किया और उसे नष्ट भी नहीं किया, इस कारण इरफान और राकेश बाबू भारतीय खिलाड़ी थे जिनको खेलों से बाहर कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि किस किस देश ने कितने कितने मेडल जीते। पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, इसमें गोल्डों की संख्या थी 80 और टोटल मेडल जो थे 198। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा जहां गेम्स हुए थे। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, 45 गोल्ड्स और टोटल 136 मेडल इसने जीते। तीसरे स्थान पर भारत रहा, 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जो है इसने जीते। टोटल मेडल जो भारत ने जीते वह 66 मेडल भारत ने टोटल इसमें इन खेलों में जीते। इन खेलों की थीम थी हेलो अर्थ, थीम की अगर बात करें तो हेलो अर्थ इन खेलों की थीम थी, और जो मोटो था शेयर द ड्रीम, तो शेयर द ड्रीम इन खेलों का मोटो था और थीम जो थी वो हेलो अर्थ थी। इन खेलों का जो मैस्कॉट था उसको कमेंट बॉक्स में आपको ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखना है इन खेलों का मैस्कॉट कौन था। और 71 देशों ने भाग लिया, हालांकि याद हो कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं वो 71 नहीं है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज 71 नहीं है, लेकिन इन खेलों में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अलावा भी अन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल कंट्रीज हो रही थी 71 कंट्रीज हो रही थी, 71 देशों ने इन खेलों में पार्टिसिपेट किया था।
तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को पहुँचाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।